हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। हमें जैसा कि आज एक नया वीडियो लेकर आए हैं, आशा करते हैं आप लोग को बहुत अच्छा लगेगा। दोस्तों, अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर किया करें। तो हम बात करने जा रहे हैं कि शिवानी कुमारी को फिल्म में ऑफ़र मिल गया है और फाइनल ऑफ़र मिल गया है। उनको फिल्म में बतौर हीरोइन के लिए साइन कर लिया गया है दोस्तों। तो जैसे ही ये वाली खबर जो है, ये बिग बॉस में जाने से पहले ही उनको साइन किया गया था, लेकिन क्लियर नहीं था कि उनको कौन सा रोल दिया जाएगा। लेकिन अब जो है कि फिल्म के निर्माता, वो उन्होंने डिसाइड करके क्लियर कर दिया है कि इनको फिल्म में बतौर हीरोइन के रूप में ले लिया गया है। फिल्म के निर्माता कैलाश मासूम उनका नाम है, और शिवानी कुमारी को बहुत ही मतलब बताया कि अच्छी हैं और उनके साथ काम करके उनको भी अच्छा लगेगा। और उन्होंने ये क्लियर कर दिया है कि हीरोइन के रूप में शिवानी को ही लिया जाएगा। और दूसरी बात है कि फिल्म का नाम है घोड़ी पर चढ़ के आना, तो इस फिल्म की बतौर हीरोइन शिवानी कुमारी मूवी में काम करेंगी। तो और ये बात कहते हुए कैलाश मासूम, जो कि इस फिल्म के निर्माता हैं, वो बताते हैं कि हमें खुशी है कि हमने शिवानी कुमारी को लिया है। साइन तो उन्होंने पहले ही कर लिया था इस फिल्म में शिवानी को लेने के लिए, लेकिन ये क्लियर नहीं था कि कौन सा रोल अभी दिया जाएगा। लेकिन अब जो है, अभी 2 दिन पहले उन्होंने क्लियर कर दिया है कि शिवानी कुमारी को लीड रोल में हीरोइन के रूप में ले लिया गया है। तो इससे बहुत ही अच्छी बात है दोस्तों, शिवानी कुमारी और आगे जाएंगी। उनका बहुत ही मतलब वैसे तो सभी कोई अब तो जान ही गया है शिवानी कुमारी को, लेकिन अब जब फिल्म में काम करने के बाद उनको बतौर काफ़ी ज़्यादा लोग जानेंगे, जिससे कि एक मतलब अच्छा छाप छोड़ेंगी हमारे समाज में, महिलाओं के प्रति अच्छा नज़रिया लोग जानेंगे, ताकि वो थोड़ा ये देखेंगे, सभी को ये जानकारी जानेगा कि महिला घर में रहकर ही नहीं सारे काम करती हैं, महिला अगर बाहर निकलती है तो बाहर भी अच्छे काम करती है। तो इसी प्रकार से हमें लगता है कि आज की जो जानकारी है आपको पसंद आएगी। तो अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कर दिया कीजिए, शेयर कर दिया कीजिए और सब्सक्राइब कर लिया कीजिए। ओके, नमस्ते दोस्तों।